मैं अभी आप 24 होल्स माउथ ऑर्गन का चार्ट दे रहा हूँ, जिसमें सी डी ई एफ कैसे कैसे नोट्स रहते हैं, और पुश बटन जब यूज करेंगे तो सी साफ डी साफ कैसे बजेंगे। ये चार्ट 24 होल्स माउथ ऑर्गन का है। इसके बाद 10 होल्स माउथ ऑर्गन का चार्ट आप ले लें। जिनके पास जो माउथ ऑर्गन हो वो अपने हिसाब से चार्ट को मैच करके उससे प्रैक्टिस करें। उसके बाद 16 होल्स की माउथ ऑर्गन, इस चार्ट से आपको पता चल गया होगा कि हर माउथ ऑर्गन में कौन सा सी नोट्स कहाँ कहाँ है। आप होल्स वाइज याद ना करें, प्रैक्टिस ना करें, आप सी डी ई एफ नोटेशन से करें, जिससे आप ब्रॉड बाइंड हो और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करने में सक्षम हो। मैं भी कई इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तो माउथ ऑर्गन कीबोर्ड गिटार या कहीं सी नोट्स का यूज करना होगा तो आपको आसानी से पता चलेगा एक इंस्ट्रूमेंट पे जो गाने बजा रहे हैं वो दूसरे पे कैसे कन्वर्ट कर ले उसी नोट से। तो इस तरह से जो है सी डी ई एफ नोटेशन से ही आप प्रैक्टिस करें, और पुश बटन का इस्तेमाल करके जो इसमें ब्लैक नोट्स आते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो सारे माउथ ऑर्गन के विषय में आपने बता दिया। अब एक प्रैक्टिस के लिए आपको चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले बता दें जो सी और सी सा, अगर ये सी है तो हाफ नोट्स राइट में जो होगा वो सा बन जाएगा, सी सी सा। पुश बटन से करके सारे नोट्स पास है। अब सी शार्प और डी फ्लैट, कुछ लोगों को फ्लैट के विषय में जानकारी है तो दोनों एक ही होता है। सी के राइट में हाफ नोट्स आएंगे तो सी शार्प होंगे, डी के लेफ्ट में आएंगे हाफ नोट्स तो डी फ्लैट होगा। तो ये सी शार्प और डी फ्लैट हो गया, उसी तरह से ये डी शार्प और ई फ्लैट हो गया, उसी तरह से एफ शार्प जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट। तो फ्लैट और साथ दोनों एक ही होते हैं, नाम बदल जाते हैं, सी सार या डी फ्लैट एक ही नोट्स होते हैं। अब दूसरी जानकारी सारे गाना में अगर लें तो सा ये हो गया, रे ये हो गया, तो रे के लेफ्ट में जो आएगा वो कोमल रे हो जाएगा, बा कोमल रे, मा का कोमल नहीं होता है, मा का तीव्र तीव्र मा, पा पा का कोई भी नोट दूसरा नहीं होता, धा कोमल धा, नी कोमल नी, सा तो इस तरह से सा कोमल रे। कोमल अगर सारे गमन के हिसाब से सेट करना चाहें तो सी सा कोमल रे हो जाएगा, डी सा कोमल ग, एफ सा तीव्र मा, जी सा कोमल धा, ए सा कोमल नी। तो इस तरह से अपने नोट्स को सी को अगर सा मानकर चलेंगे, फिर एक बार बता दें जो सी सा नहीं होता है, सी को आप सा मानेंगे तो सा रे गा मा पा गा रे सा रे गा पा मा गा रे सा। और ये माउथ ऑर्गन में आप केवल क्लासिकल राग बजाने में ही सा का इस्तेमाल करेंगे, बाकी नोट्स आप देख लें गाना किस नोट से बज रहा है उस नोट्स के हिसाब से करें। अब इसके प्रैक्टिस के एक चार्ट दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस के चार्ट देख लें।
सबसे पहले हम बता दें जो सी जो होता है माउथ हार्गन में वो एक ही साथ तीन सी मिलेगा। तो जैसे यहां जब सी के लेफ्ट में जाएंगे तो वो भी सी होगा। चार्ट में ये सब डिजाइन करके दिया गया है, आप स्पष्ट हो जाएगा जब चार्ट को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि एक नोट साफ कैसे निकले। शुरू शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं वो जब बजाने लगते हैं तो एक साथ कई नोट्स निकलेंगे, तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जो इसमें एक नोट्स कैसे हैं। अब फिफ्थ होल है तो इसमें 1 2 3 4 फिफ्थ, ये फिफ्थ होल आपको सी नोट्स देगा। अब इस सी को हमें मेमोराइज करना है, जो सी कौन सा है, जब भी मुंह रखे तो आपको अचानक मिल जाए नोट। सी की एक और पहचान है, जो आप लेफ्ट राइट में ऐसे ऐसे सर करेंगे तो सेम नोट्स मिलेंगे। उसी तरह इधर भी सी जो है, इसमें एक ही टेन होल्स में ये रहता है जो ये दो नोट सी का नहीं मिलते हैं। टेन होल्स में सी के बाद जो है डी के इसकी बनावट चेंज हो जाती है इसमें, क्योंकि दो ही होल्स में ये मैक्सिमम टेन होल्स में अपने मैक्सिमम नोट्स दिए हैं। तो इसमें आपको बता दें सी जो हाइयर, अच्छा ये जो पहला सी होता है ये मिडिल स्केल होता है, इसके लेफ्ट में जो हम जाएंगे तो वो लोअर स्केल और सी से राइट में जो जाएंगे वो हाई, यानी सी हायर स्केल का फिर शुरू हो जाता है, जिसको हम अगर सप्तक में देखें भारतीय संगीत में तो उसमें मध्य सप्तक मिडिल जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, मंद्र सप्तक लोअर स्केल और तार सप्तक हायर स्केल। तो तीन सप्तक में माउथ हार्गन भी मिल जाएगा आपको बजते हुए, और कीबोर्ड या किसी हारमोनियम पर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे के सहारे भी मिल जाएगा। तो तार सप्तक या हाइयर स्केल का सी यहाँ, ये हाइयर सी है, तो दो सी यहां पे मिल गए और एक बी पे जब पुश करेंगे तब सी मिल जाएगा, यानी तीन सी राइट में भी है, तीन सी लेफ्ट में ही। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक सी नॉर्मल बजेगा और एक बी पे बजेगा, एक सी इसमें कम हो गया है जिसके कारण हमें मैक्सिमम नोट्स देने की कोशिश की गई है। इसमें उठा देना जितने हमें हिंदी सॉन्ग्स में नोट्स चाहिए वो सारे इसमें उपलब्ध हैं। और एक ये भी जानकारी दे दे, जब बॉलीवुड सॉन्ग्स आप हिंदी सॉन्ग्स का प्रैक्टिस करेंगे या उसके नोट्स बजाएंगे तो हमारे मिडिल सी से लेकर हायर जी तक जाता है, इसी रेंज में गाने, मिडिल सी से बहुत कम ही नीचे आता है, लोअर नोट्स इसमें यूज होते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में। हालांकि माउथ हार्गन बजाने वाले बहुत लोग बहुत लोअर से ही बजाते हैं एक्चुअल नोट्स छोड़ के, तो ये आप पे निर्भर करता है कैसे प्रैक्टिस करें। हालांकि अगर एक्चुअल नोट से आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब हम भारतीय संगीत या राग के विषय में जानकारी लें तो उसमें राग जो है लोअर जी से हाइयर जी तक बजता है, उतने नोट्स के प्रैक्टिस आप करेंगे तब किसी भी राग को बजाने में सक्षम होंगे। तो आइए प्रैक्टिस करने के लिए जो चार्ट दिखाए हैं उसमें आपको बताएं जो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सी का प्रैक्टिस करें, पहला प्रैक्टिस है C D E F G A B C। इसमें प्रैक्टिस करने में अगर बिगिनर्स हैं तो आप A और B का प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि A और B दोनों खींचने वाला है। और A से B पे जाने के लिए माउथ हार्गन में एक बहुत आसान तरीका है ड्रैग, ड्रैग मुंह को आप खिसका के ले जाइए, A से B पे पहुंच जाएंगे क्योंकि बीच में कोई खींचने वाला रहेगा नहीं। A से B तक जाइए आप खींचते हुए, और फिर वहीं पे अगर फोर नोट्स वाले होल हैं तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। फोर नोट्स में एक और चीज बता दें, एक होल में आपको मिल जाते हैं सी डी सी सार डी सार,
चार नोट्स आपको मिल गए, सी सी सा डी डी सा एक होल में। तो आप अब नोट्स देख लें जो होल में कैसे कैसे रहते हैं, उस हिसाब से आप माउथ को अलग से इधर से लेफ्ट राइट ए बी सी का प्रैक्टिस करें। क्योंकि सबसे पहले माउथ ऑर्गन में यहां कंफ्यूजन होगा ए से बी के जाने में, और ए बी सी का जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो फिर दो दो नोट्स करके करें। इसके बाद से एक और प्रैक्टिस है, वो है तीन तीन मोशन है। फिर चार नोट्स करके आप ले सकते हैं। माउथ ऑर्गन में एक स्पेशल प्रैक्टिस है जो केवल माउथ ऑर्गन में है, जैसे सी और ई दोनों फूंकने वाले हैं, ब्लो है, तो सी से ई पे जाने का प्रैक्टिस, माने ब्लो से ब्लो, ब्लो से ब्लो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रॉ से ड्रॉ खींचने वाले को एक साथ, तो जैसे सी ई जी सी ये चार नोट्स फूंकने वाले मिलेंगे। इसी तरह से खींचने वाले का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डी से। इस तरह से फूंकना और खींचना दोनों आप ध्यान में रखें, कौन सा नोट फूंकने पे है, कौन सा नोट खींचने पे है, और इस तरह से प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड माउथ ऑर्गन पे आएगा। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। धन्यवाद।